फ्रेंड्स फाइनली मोटोरोला मोबाइल फोन वापस आ गया। मोटोरोला दो फोन लॉन्च किया रिसेंटली, मोटोरोला AS20 और AS20 फ्यूजन। ये दोनों फोन लॉन्च करने के साथ साथ मोटोरोला वापस आ गया, और ये दोनों में से जो मोटोरोला AS20 जो फोन है ना वो टोटली लाजवाब है। इस फोन का ऐसा कुछ फीचर्स है अभी तक कोई भी फोन नहीं दिया, यूनिक फीचर्स है टोटली, वो मैं आज यहाँ पर आसानी से बोलने वाला हूँ क्या कुछ यूनिक फीचर्स आपको मिलेगा यहाँ पर ये फोन में से मोटोरोला AS20 और AS20 फ्यूजन। आज मैं यहाँ पर AS20 के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो आइए स्टे करते। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. So friends, आप यहाँ पर देख सकते हो आसानी से मोटोरोला AS20 जो फोन है ये फोन 24 अगस्त फ्लिपकार्ट में ये फोन सेल होना स्टार्ट हो जाएगा। 24 अगस्त में ये फोन स्टार्ट होगा और इसका प्राइस रखा 29,999। तो इसी प्राइस रेंज में इसी फोन लेना सही होगा, 30,000 में ये फोन लेना सही होगा। क्या कुछ यूनिक फीचर्स है सारा कुछ यहाँ पर अच्छी तरह से मैं दिखाने वाला हूँ। अच्छी तरह से यहाँ पर ये फोन देखो, ये फोन का जो है ना 144 Hz रिफ्रेश रेट, अभी तक बहुत गेमिंग फोन आ गया कि 144 Hz रिफ्रेश रेट है उसमें, मगर ये फोन में टोटल डिफरेंस है क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर 144 Hz रिफ्रेश रेट और यहाँ पर 90 Hz रिफ्रेश रेट, कितना दिखाई कैसे दे रहा है 144 Hz में, इतना अच्छे करके दिखाई दे रहा है। ऊपर मैं यहाँ पर जो ये लैपटॉप यूज करता हूँ ना ये सब पेज है, आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो ये लैपटॉप 144 Hz रिफ्रेश रेट है इसके। तो मुझे पता है कि 144 Hz में और 60 Hz कोई लैपटॉप में फर्ज डिफाइन बिटवीन, मुझे पता चलता है कि कैसा करके रन करते। मैं यहाँ पर 144 Hz रिफ्रेश रेट लैपटॉप को वो एसर पीटर हिलियो इसको परचेस किया, बहुत ही अच्छा लैपटॉप है 144 Hz रिफ्रेश रेट, इसी में मैं सारा कुछ काम करता हूँ। अगर आप गेम खेलते हो 144 Hz रिफ्रेश रेट में लैपटॉप या मोबाइल कोई भी चीज में, तो आपको पता चलेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। और यहाँ पर और एक चीज देखो, यहाँ पर 576 MHz यहाँ पर ये रेस्पॉन्सिव टच, ये जो फोन है ना इसको ऐसे करके आप स्क्रॉल अगर करते हो ना ऐसे करके इतना फास्ट होगा ना आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि आप स्क्रॉल कर रहे हो, और टच किया आपको मालूम ही नहीं चलेगा ये फोन में, ये वर्ल्ड का फास्ट यहाँ पर 576 Hz यहाँ पर रेस्पॉन्सिव टच। क्योंकि गेमिंग जो जितना सारा फोन होता है गेमिंग उस फोन में भी इतना नहीं दिया अभी तक नहीं दिया 576 MHz इतना अभी तक नहीं दिया रेस्पॉन्स टच, इतना रेस्पॉन्स करेगा HDR 10 तो 10 प्लस तो है ही इसमें। और इसके साथ हाँ एक ही क्लिक में आपका कोई भी स्मार्ट टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हो, स्मार्ट टीवी को पूरी तरह से आपका मोबाइल क्रिएट कर सकते हो, स्मार्ट टीवी को सिर्फ एक क्लिक करके आपको मोबाइल पूरी तरह से आपके स्मार्ट टीवी में प्ले कर सकते हो, आपको मोबाइल से कुछ प्ले करो गेम भी खेल सकते हो स्मार्ट टीवी से बड़ी आसानी से विदाउट एनी लैग आप इसको प्ले कर सकते हो बड़ी आसानी से। और इस फोन का जो कैमरा है ना 108 MP उसमें 30x सुपर जूम भी है, 108 MP इसमें कैमरा है और 30x जूम भी है, और दो कैमरा भी है यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, 16 MP अल्ट्रा वाइड और मैक्रो शॉट लेने के लिए, मैक्रो मतलब पास से आप कुछ पिक्चर ले सकते हो, बहुत ही पास से आप किसी भी चीज़ का पिक्चर ले सकते हो बढ़िया सेंस से। और वहाँ पर अल्ट्रा वाइड 16 MP अल्ट्रा वाइड दैट मीन्स ये वाइड बहुत ही वाइड होगा 16 MP। उसके साथ साथ और एक है यहाँ पर और एक है 108 MP सेंसर और 3x टेलीफोटो कैमरा यहाँ पर है, ये है 8 MP कैमरा और मुझे मिल जाएगा यहाँ पर देखो ये जो कैमरा है ना 8 MP ये 3x टेलीफोटो लेंस जूम होगा इसमें। और इस मोबाइल में यहाँ पर आपको 32 MP सेल्फी कैमरा मिल जाता है इसमें इसके साथ, इसका फोटो क्वालिटी भी आप अच्छे से देख सकते हो यहाँ पर जितना सारा फोटो लिया यहाँ पर। और सबसे बढ़िया बात इसमें इंडियन फास्ट स्नैपड्रैगन 778G
ये जो प्रोसेसर है ना, सैमसंग 8G जो प्रोसेसर है वो 6 नैनोमीटर बेसिस प्रोसेसर है और ये 5G बेसिस प्रोसेसर है। इस फोन में दो सिम स्लॉट है, दोनों स्लॉट पे भी आप 5G सिम यूज कर सकते हो बढ़िया सेंस। ये फास्ट प्रोसेसर है, यहाँ पर 778G 6 नैनोमीटर बेसिस प्रोसेसर, बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। और एंड्रॉयड सिक्योरिटी जो है मोटोरोला का पर्सनल थिंग सील्ड वो भी इस फोन के साथ मिलेगा। और इस फोन में आपको एंड्रॉयड 11 स्ट्रॉक एंड्रॉयड मिलेगा। इस फोन का डिस्प्ले है 6.7 इंच और 8GB रैम और 128GB स्टोरेज इस फोन में आपको मिल जाएगा। तो फोन है ना बहुत ही स्लिम और लाइट वेट है। इस फोन में आपको 4000mAh बैटरी देखने को मिलेगा। इस फोन को आप डेफिनेटली विदाउट थिंकिंग ट्वाइस इस फोन को आप परचेस कर सकते हो बहुत ही आसानी। ये फोन फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा 24, आप देख सकते हो यहाँ पर 24 अगस्त में फ्लिपकार्ट में ये फोन सेल होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप गेम खेलते हो, आप पिक्चर भी लेते हो तो ये फोन बहुत ही बढ़िया है। 144Hz रिफ्रेश रेट है इसमें, क्योंकि मैं यहाँ पर 144Hz यहाँ पर ऐसा कंप्यूटर ये लैपटॉप जब से परचेस किया तब से मुझे मालूम चला कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 144Hz और 60Hz, क्या डिफरेंस होता है। अगर आप गेम खेलते हो ना 144Hz में तो आपको मालूम चलेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस 144Hz में कितना दम है। सो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर बोलने का कोशिश की कि मोटोरोला मोबाइल फिर से वापस आ गया, मोटोरोला S20 और S20 फ्यूजन ये दोनों फोन के साथ। दोनों फोन भी बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। उनमें से जो S20 है ना वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। ये फोन आप परचेस कर सकते हो। ये फोन का कुछ फीचर्स मैं यहाँ पर बोलने का कोशिश किया। तो अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, फिर दोस्तों जरूर शेयर करना। अगर आपका कोई सवाल है इस वीडियो को लेके तो इस वीडियो का नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बोल सकते हो। अगर इस चैनल का न्यूज का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह का नॉलेज वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं नया वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पास पहुंच जाएगा। तो आज चलते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द कोई नया वाला वीडियो में। तो टुडेज़ होगा, टेक केयर, गुड बाय, टाटा, थैंक यू।